नागपुर जिले के काटोल में एक बेहद ही भयावह आगजनी का मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फर्नीचर की दुकान को आग लग गई। इस आग में जलकर 88 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होने की दुर्दैवी खबर भी सामने आई है। मृतक का नाम नूर मोहब्बत बोधर बताया गया। फर्नीचर की दुकान में बड़ी संख्या में लकड़ियां होने के वजह से आग ने रौद्र रूप धारण कर दिया। बताया जा रहा है कि आधी रात के दरमियान ये घटना घटी। काटोल मध्यरात्रीला लागलेली ही आग 3:15 वाजताच्या दरम्यान अनुसयापुरम येथील सलीम फर्निचर येथील ही आग इतकी भयंकर होती की काही वेळातच पूर्ण घरचं घर हे पूर्ण जळून खाक झालेलं आहे। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।